हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित काटपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमानेंट जॉब अलर्ट्स। आज हम जो वैकेंसीज लेके आए हैं बेसिकली वो आईआईटी मंडी की वैकेंसीज हैं। उसमें जूनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या क्या एज क्राइटेरिया रहेगा वो सारा कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे स्टेप बाई स्टेप एडवर्टीजमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये PDF मैंने खोल रखी है सामने। यहाँ पे आप देखें कि लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट इज 28th ऑफ अक्टूबर 2022। तो मतलब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप जल्दी से जल्दी अगर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। दो पोस्ट पे वैकेंसीज हैं, एक तो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, दूसरी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट का जो पे लेवल है वो लेवल 4 है, जूनियर असिस्टेंट का जो पे लेवल है वो लेवल 3 है। लेवल 4 की बेसिक पे 25,500 के अराउंड होती है और ग्रॉस सैलरी समवेयर अराउंड 40 to 45,000 पर मंथ बन जाती है इसमें। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 21,700 बेसिक पे रहेगी, ग्रॉस सैलरी समवेयर अराउंड 35 to 40,000 पर मंथ बन जाएगी। एज लिमिट 30 इन्होंने मांगी हुई है और बाकी जो SC ST कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन है वो तो होंगी होंगी यहाँ पे भी। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में 8 वैकेंसीज हैं और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की 25 वैकेंसीज हैं। अगर किसी सिंगल कैंपस में नॉन टीचिंग जॉब्स की बात करी जाए तो ये काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है कंपैरेटिवली। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए इन्होंने बैचलर्स BCom डिग्री या फिर MCom डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर BCom यू शुड हैव 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद एक्सपीरियंस जो इन्होंने डिजायरेबल मांगा है वो आपका किसी भी एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स या अकाउंटिंग अकाउंट्स या प्रोसीज में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी देन यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, एंड अगर आप प्रोबेशन में सही से काम करते हो तो उसके बाद ही देन योर पोस्ट विल बी रेगुलराइज्ड। उसके बाद अगर बात करी जाए कि इसकी फीस कितनी रहने वाली है, जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इट इज़ 500 रुपीज़, फॉर OBC कैटेगरीज इट इज़ 400 रुपीज़, फॉर SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट इट इज़ 300 रुपीज़। अगर आप देखें कि यहाँ पे ना इन्होंने डिटेल दे रखी है कि किस बैंक अकाउंट में आपने फीस पे ट्रांसफ़र करनी है, तो अगर आप जो मेरे मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है बेसिकली आपको यहाँ पे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र करने होंगे और उसके बाद जो भी इनका एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पे आपको फिल करना होगा, जो भी ट्रांजेक्शन ID है या ट्रांजेक्शन डेट है या जिस बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो सब कुछ आपकी डिटेल्स फिल होंगी जिस भी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन लिंक इन्होंने यहाँ पर मैंशन कर रखा है, जिस लिंक पर क्लिक करोगे आप तो इनका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ID पासवर्ड जनरेट होने के बाद सारी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जो जो भी इन्होंने मांगा होगा वो भरोगे आप, और लास्ट में सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। और ये PDF आपको इनके IIT मंडी, जब आप गूगल पे सर्च करोगे IIT मंडी करियर्स तो जो पहला लिंक आएगा वो रिक्रूटमेंट आएगा, वो ओपन करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इस पेज पे आप देखोगे कि ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दी हुई है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट जूनियर असिस्टेंट। ये ओपन करके PDF ओपन हो जाएगी और फिर वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिंक तो मिल ही जाएगा, ये आपको यहाँ पे लिंक तो मिल ही जाना है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ कंटिन्यूसली मिलती रहे डेली बेसिस पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।